अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई थामने के सरकारी उपायों का घरेलू कमोडिटी बाजार पर असर दिखने लगा है। निर्यात प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से गेहूं के बढ़ते मूल्यों में तेजी थम गई है, जबकि चावल की पर्याप्त उपलब्धता के चलते बाजार में मूल्य स्थिर बना हुआ है। वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की महंगाई के अनुपात में घरेलू बाजार में कीमत नहीं बढ़ रही है। वहीं चीनी जैसी प्रमुख जींस में पिछले एक महीने के भीतर औसतन मूल्य 50 पैसे प्रति किलो की कमी दर्ज इसमें की गई है। वहीं रोलर फ्लावर मिल्स के आंकड़ों के मुताबिक राज्यवार गेहूं की कीमतें 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल कम हुई हैं। वहीं खाद्य वस्तुओं में तेजी पर लगी लगाम उसके असर की जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल गेहूँ का मूल्य 36,302 रुपये प्रति टन है और यूरोपीय संघ में ये 42,896 रुपये प्रति टन है, जबकि भारत में यही गेहूं 28,390 रुपये प्रति टन बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं के पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य घरेलू बाजार की महंगाई को रोकना था। चीनी का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद खुदरा मूल्य 42 रुपए तक बोला जाने लगा था, इसलिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत महसूस की गई, लिहाजा बाजार में कीमतें ढीली हुई। वहीं आयातित महंगे खाद्य तेल का असर घरेलू बाजार पर भी रहता है, जिसके लिए सरकार ने सीमा शुल्क में कई तरह की रियायतों की घोषणा की है। वहीं घरेलू सप्लाई लाइन को दुरुस्त बनाए रखने और कीमतों पर काबू पाने के उद्देश्य से सरकार ने 13 मई 2022 को गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया। इससे जींस बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों की तेजी थम गई। वहीं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बाजार का गेहूं का औसतन खुदरा मूल्य 29 से 30 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है। यही हाल आटे का भी है, जबकि जींस बाजार में चावल का मूल्य 1 मई 2022 से लेकर 1 जून 2022 तक एक जैसा 36.10 रुपए प्रति किलो पर स्थिर है। वहीं गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करते हुए गेहूं की खेप लेने से मना करने के मामले में केंद्र तुर्की की सरकार से बातचीत कर रहा है। इस मामले पर खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि सरकार तुर्की प्रशासन से संपर्क कर मामले के प्रशासन में जुटी है। खाद्य सचिव ने बताया कि निर्यात कंपनी ITC ने जिनेवा स्थित कंपनी को 60,000 टन गेहूं बेचा था, जिसने तुर्की को गेहूं निर्यात किया था। इस मामले में ITC को पूरा भुगतान हो चुका है, हालांकि इसके पहले हर तरह का क्वालिटी टेस्ट कराया गया था। पांडे ने बताया कि क्वालिटी टेस्ट कराया गया, साथ ही कृषि मंत्रालय और एग्री एक्सपोर्ट करने वाली संस्था एपिडा लगातार तुर्की क्वारंटाइन अथॉरिटी के संपर्क में है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद से अब तक 5 से 6 देशों ने गेहूं आयात के लिए आग्रह भेजा है। इन देशों को गेहूं निर्यात करने को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो इस पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।